चलिए थोड़ा हमारा गांव का पूरा तालाब दिखाएंगे दोस्तों। तो हमारे ये तालाब से 1, 2, 3, 4 गांव का पानी भी देता है। चार गांव वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। आज मेरा ब्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है, घर से आज। तो दोस्तों आज का संडे स्पेशल तो है ही, तो आज अच्छे लोकेशन के ऊपर जा रहे थे। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे छोटे फैमिली के लिए और यूट्यूब फैमिली YT फैमिली। ठीक है दोस्तों, खाना जीना खाते हैं फिर निकलते हैं। ये देखिए हमारे घर का चूल्हा, ये दिन में ऐसा दिखता है, रात में तो कुछ अंधारा अंधारा होता है, तो करंट भी नहीं रहती है, कुछ भी नहीं रहती है। खाना गिना खाते है निकलते हैं। बहुत बड़ा तालाब है दोस्तों ये। अरे यार थक गया, चढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो बांध भी बहुत बड़ी है। अरे भाई ये दोस्तों हमारा गांव का तालाब है। ठीक है दोस्तों, तो पूरा कितना बड़ा तालाब है, हमारा गांव का है पूरा का पूरा। इधर से देखे तो पूरा का पूरा चार गांव दिख जाता है पूरा। भाई उस तरफ दिखा दिए पूरा, वही एक हाँ सामने वाला वही एक गांव है, वो दूसरा गांव, ये हमारा गांव है। तो इस साइड में पूरा का पूरा विलेज एरिया है, तो काफ़ी सारा अच्छा भी है। एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूँ मैं, तो हमारा गांव में इतना ही है दोस्तों। तो ठीक है चलते वहाँ पर जाएंगे दोस्तों, पहले देखेंगे वहाँ पर, कभी तो मैं गया नहीं है, तो फिलहाल जाएंगे। तो दोस्तों चार गांव को पानी जाता है हमारे यही तालाब से, पूरा का पूरा देखिए हरा भरा है, पूरा का पूरा हरा भरा है। इस साइड में भी हरा भरा है, तो इस साइड में भी हरा भरा है, पूरा का पूरा अगल बगल में कम से कम 4 से 5 किलोमीटर तक पानी पीता है। इतना बड़ा तालाब है कि 6 किलोमीटर अंदाज लगने लगा सकते। ठीक है दोस्तों वहीं पर जाकर बात करेंगे। पुराने जमाने का है, कम से कम 80-90 साल का पुराना है, तो अभी तक भी जंग नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों उस जमाने का कितना मजबूत स्टील होगा है ना, कितना अजीब लगता है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा देर हो गया, तो 2-3 घंटा हो गया इधर, काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया, लेकिन इतना सुकून मिला कि अरे भाई क्या ही बोलूँ मैं।
जब भी प्लेस के ऊपर आपको बैठेंगे तो जब भी उसका फीलिंग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, आज का दिन इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।